फाइनली फैमिली अपनी गोभी निकल रही है भाई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वही यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल, दिस इज ब्लॉगर चिराग नेगी। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। फाइनली फैमिली अपनी गोभी निकल रही है भाई, तैयार हो चुके हैं सारे फूल भाई, एकदम उग गए हैं। और अभी तो बस ये काटी है और ये काटी है और दो किल्टे में भी, दो नहीं तीन किल्टे घर ले गए हैं। एंड अभी मैं और मेरे भाई आए हैं और अभी हम इनको ले जाएंगे भाई साहब। देखो फाइनली यार, फाइनली इतने दिनों बाद। और ये भी काटने को हो गया है, बट इसको दो तीन दिन ऐसे ही छोड़ते हैं, तो उसके बाद आएंगे फिर से, है ना। और यहाँ देखो यार कितना खाली खाली लग रहा है ना, गोभियों के पत्ते देखो भाई साहब, इधर उधर हर जगह पत्ते ही पत्ते हैं भाई, बीच में फूल। हाय गाइस, अभी भरते हैं, ये तो भर रहा है, भरने स्टार्ट कर दिया इसने, तो अपन भी भरते हैं भाई, अपना किल्टा ही रहा। तो भाई फैमिली अपना किल्टा किल्टा उठा दिया है, ये देखो यार ओवरलोडेड एक्स्ट्रा क्वान्टिटी है भाई गोभियों की। अभी चलते हैं, ले जाते हैं घर की तरफ, हमारी हालत ख़राब होती है भाई। अरे यहाँ से नीचे होकर जाते हैं, सही है सही सही। हमने यहाँ पर सुबह ही आ रखे हैं गोभी को ले जाने, एंड मेरे भाई तो आगे चला गया है और मैंने फर्स्ट रेस्ट ले लिया है। अरे भाई एकदम भारी है यार गोभियाँ। लो भाई फैमिली अपनी कुछ इतनी गोभी है भाई, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वही आगे, यहाँ से भी आगे स्ट्रेट तो नहीं, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी तो है, बट है लाइन में ही भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, एकदम मस्त भाई, है ना, क्या ही लग रही है भाई, एकदम मस्त सी लग रही है, झकास। सो फैमिली अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अपन तो देखो यार पहचान ही चुके होंगे आप लोग इस रास्ते को देखकर, अभी मैं कहाँ पर हूँ, है ना। तो अभी जस्ट आया हूँ मैं बंदर बंदर देखने, एंड बंदर बंदर देखेंगे इधर उधर, इधर तो क्या मतलब, यहाँ पर नेपाल के रहते ना, हाँ उन्होंने कहा कि हाँ ऊपर है बंदर यहीं ऊपर, तो अभी अपन जाते हैं ऊपर देखेंगे कहीं बंदर ने डाका तो नहीं डाल लिया है, आई मीन वो और तो नहीं हो गई स्टार्ट, है ना गाइस। तो इसलिए बस आ गया मैं जल्दी जल्दी। अपनी बिल्लो यहाँ नीचे खड़ी है, ये देखो नीचे, है ना। तो बस कॉलेज कॉलेज में एडमिशन तो क्या मतलब फॉर्म फॉर्म भर के आ गया है, बट काउंसलिंग अभी बाकी है गाइस, अभी देखेंगे आगे यार क्या क्या सीन रहता है। और अभी गाय को घास घूस डाला है या नहीं, दे दिया है, दे दिया भाई उन्होंने, जो नेपाल के हैं उन्होंने दे दिया है, ठीक है उन्होंने दे दिया है। और अपन तो चलते हैं यहाँ ऊपर, अरे यार रस्सी लानी थी मुझे तो, ये रही अपनी रस्सी भाई। और अपनी गोभी भी निकल रही है भाई, खुशी देखो यार मेरी, एकदम मस्त वाली गोभी निकल रही है भाई। यहाँ यहाँ पर आई डोंट नो कब तक निकलेगी, बट दूसरे खेतों में निकल रही है, हमें उग गई है वहाँ पर और हम काट रहे हैं उसको। हम तो क्या मतलब पापा मेरे भाई एंड मेरी मम्मी वो अभी काट रहे हैं और लेकर आ रहे हैं भाई रोड तक, उसके बाद उन्हें पैक किया जाएगा, ले जाया जाएगा व्यापारी के द्वारा, राइट। तो बस अपन तो आए हैं यहाँ पर और देखेंगे यार ऊपर कहाँ जाएं, आई मीन बंदर बंदर देखते हैं कहाँ है कहाँ नहीं। अरे भाई साहब भयंकर ही बारिश लग गई भाई, ये देखो तो सही भाई साहब, मैं बस यहाँ पहुँचा ही था और बारिश भाई तुम भयानक स्टार्ट हो गई, क्या ही बताऊँ यार। आवाज़ सुनकर तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि कितनी भयानक वाली बारिश लगी है अभी भाई, सुनो तो। ये देखो यार आई डोंट नो आप सभी लोगों को बारिश की बूंदें दिखाई दे रही हैं या नहीं, बट आवाज़ सुनो यार कितनी भयानक है, कुल्लू से बिल्कुल अपोजिट है भाई, आई मीन कुल्लू से बिल्कुल अलग है भाई यहाँ का वेदर। कुल्लू मतलब बाज़ार, ठीक है, कुल्लू तो ये पूरा एरिया है बट हम ना बाज़ार को ही कुल्लू कहते हैं, तो इसीलिए मैं कुल्लू कुल्लू कह रहा हूँ, कुल्लू से अलग वेदर है यहाँ का, बिल्कुल अलग। यहाँ पर बारिश लगी होती है और वहाँ पर धूप लगी होती है भाई,
ऐसा भी होता है हमारे पास ना, इतने दिन बारिश आई बट वहाँ पर ना एक भी दिन बारिश नहीं आई थी कि जब हम पिछले कल थे वहाँ पर, लास्ट ब्लॉग में बारिश आई भाई। ये तो भाई सौभाग्य है, जहाँ हम होते हैं वहाँ पर बारिश तो ज़रूर होती है, सिस्टम है भाई। और भाई मैं ना सुबह 9 बजे से बैठा हूँ यहाँ पर और अभी ना 1 बज चुके हैं, तब से भाई लगातार बारिश हो रही है। थोड़ी देर ये ज़्यादा आएगी, उसके बाद ये कम हो जाएगी, फिर से ज़्यादा, फिर से कम, लगातार यही कॉन्सेप्ट चला हुआ है इस बारिश का यार। और मुझे ना अभी यहाँ पर ठंड भी हो रही है यार, एक तो मैं जैकेट नहीं लेकर आया आज, हाय क्या करेगा। अभी थोड़ी सी कम होनी चाहिए बारिश है, उसके बाद चलेंगे यार नीचे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चली हुई है, इस कारण से मैं यहाँ नहीं बैठ सकता यार, नहीं तो बीमार पड़ जाऊँगा। आई रियली डोंट वांट कि मैं बीमार पड़ जाऊँ यार आजकल के मौसम में। एक तो अभी कॉलेज भी जाना है, तो कॉलेज जाते जाते बीमार पड़ गया तो ख़राब हो जाएगी, है ना गाइज। अभी चलते गाइज नीचे, क्योंकि यहाँ बैठ कर यार बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो नीचे बैठेंगे। यहाँ पर ना एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऊपर से एक तो बारिश, तो चलो गाइज निकलते हैं यहाँ से, यहाँ बारिश भी लगी हुई है। हेलो भाई, फैमिली अपने एकदम घर में पहुँच लिया है और घर आकर यार खाना खुना खा लिया मैंने, क्योंकि मुझे ना भूख लग रही थी। एंड अभी बस मुझे आज शाम का खाना भी बनाना है गाइज, अभी तो दोपहर के बजे हैं 3, एंड उसके बाद मे बी मैं ना कुकिंग शुरू करूँगा 4 या 5 बजे, तो उसके बाद खाना खुना तैयार हो जाएगा, है ना। आज अपन बनाएंगे गाइज खाना खुना एंड उसके बाद एकदम चिल होकर बैठेंगे। अभी ना फैमिली खाना खुना बनाते हैं और अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो चावल बनाएंगे गाइज राइस। लो फैमिली, अपने कुकर के अंदर रख दिया अपने चावल चुवल और ये पक जाएंगे, तो उसके बाद बनानी हमें रोटी भी भाई, चपाती भी बनानी है अभी। जब तक अपने चावल बनते हैं तब तक आप नेचर नेचर ब्यूटी का मजा लीजिए गाइस। सभी लोगों को नेचर ब्यूटी अच्छी लगी होगी। अभी ना बारिश ने एकदम ग्रीन कर दिया भाई पूरा टाउन, ना होम टाउन इज द बेस्ट गाइस। अभी भाई अपनी रोटी राटी बनाते हैं और अभी ना आटा गूंथते हैं सबसे पहले तो, एंड देन वी मेक सम चपाती गाइस। लो भाई अपना आटा उटा गूंथ दिया है और अभी बनाते हैं गाइस रोटियां। ये देखो यार आज कैसी राउंड शेप में बन रही है अपनी रोटियां, एकदम चकास, ये अपनी पहली रोटी, दिस इज द लास्ट चपाती गाइस, देख लो एकदम राउंड है गोल शेप। लो फैमिली अपनी चपाती चपूती बना के कर दिया और डन, और अभी बस चिल करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि खाना खुना बनाने के बाद एकदम चिल करेंगे, चिल। सो फैमिली अभी मैं करता हूँ इस ब्लॉग को एंड, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक सो मच फॉर वॉचिंग टिल द न्यू फैन राइट से, बाय बाय।